नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी। आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये एग्रीकल्चर से और साइंस का ही पार्ट है ये। इसमें हम फल व सब्जियों के जो रंग लाल होने के क्या कारण है, नारंगी होने के क्या कारण है, या इनका तीखापन का या इनका कड़वापन का, तो इनसे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये ट्रिक के साथ बनाए गए हैं। आपको एक ही मिनट में याद हो जाएंगे सारे, तो आपको वीडियो के एंड तक देखते रहिए। और ये जो इम्पोर्टेंट ट्रिक है ये आपके एग्जाम ऐसे CGL, LDC, HSSC, रेलवे या कोई भी पुलिस एग्जाम दे रहे हो आप, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे रिलेटेड एक बार UPPCS में भी पूछा गया है, तो वो क्वेश्चन भी शामिल किया गया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक है, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि समय समय पर मेरा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपको इसका बेनिफिट मिलता रहे। इसकी PDF फाइल वो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो लिंक है टेलीग्राम का उससे आपको प्राप्त हो जाएगी। www.targetwithgoswami.com जो वेबसाइट है उस पे आप नोट्स PDF के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा। फर्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या आता है, टमाटर का रंग लाल किस कारण होता है। तो टमाटर का जो रंग लाल है वो किस कारण होता है, लाइकोपिन के कारण। तो देखिए लाइकोपिन के कारण इसका रंग क्या होता है, लाल। अब देखिए ट्रिक क्या है, ला से लाल को पीना, देखो लाल को पीना। अब देखिए पहले जैसे टमाटर, ऐसा टमाटर है ये, इस प्रकार से इसकी शेप है। अब ये लाल तो है नहीं, अब इसमें लाल रंग डालना है। क्या डालना है, लाल को पीना, मतलब इसको हम पिला रहे हैं। इस ट्रिक में आप देखिए पिला रहे हैं तो टमाटर कैसा हो रहा है, लाल। तो टमाटर का लाल रंग, जो लाल रंग किस कारण होता है, लाइकोपिन के कारण। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ आएगा लाइकोपिन के कारण क्या होता है, टमाटर का रंग लाल होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है गाजर का नारंगी रंग या ऑरेंज किस कारण होता है। तो गाजर का जो रंग ऑरेंज है वो किस कारण होता है, कैरोटीन के कारण। किसके कारण, कैरोटीन। अब देखिए ट्रिक क्या है, गाजर को क्या बोलते हैं, हम कैरट, क्या बोलते हैं, कैरट। देखिए गाजर ऐसी होती हैं, तो जो नारंगी रंग है वो किसके कारण, कैरेट से ही हमें ट्रिक मिल गई, कैरोटीन। तो कैरोटीन के कारण गाजर का रंग कैसा होता है, नारंगी। अब ये तो काफ़ी बार पूछा जाता है एग्जाम में, लेकिन ये भी पूछा जा सकता है कि गाजर का लाल रंग किस कारण होता है, तो एंथोसाइनिन, एंथोसाइनिन के कारण गाजर का रंग कैसा होता है, लाल होता है, और नारंगी कैरोटीन के कारण। तो समझ आ गया होगा आपको। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है करेला का कड़वापन। देखिए करेला है वो बिल्कुल आपको पता है कड़वा होता है, तो करेले का कड़वापन ये किसके थे, मेमोर्डिकोसाइड। ये मेमोर्डिकोसाइड से करेले का रंग, जो करेला है वो कड़वाहट होती है। अब इसकी ट्रिक देखिए, देखिए करेला आपको पता है आयुर्वेद दवाइयों में यूज़ होता है इसका, या करेला लोग हैं मतलब अपनी हेल्थ कॉन्शियस के लिए, अपने आप को मतलब बिल्कुल सलीम बनाने के लिए भी इसका जूस वगैरह भी यूज़ करते हैं। करेला बहुत लाभदायक चीज़ है। तो अब देखिए ये हमारा माइंड है, क्या है, माइंड, मेमोरी है जहाँ स्टोर होती है हर चीज़। तो मेमोरी को साइड इफेक्ट नहीं होगा यदि आप करेले का जूस पियेंगे, तो मेमोरी को क्या नहीं होगा, साइड इफेक्ट। अब देखो यहाँ से बन रही है ना बात, मेमोरी को साइड, तो साइड इफेक्ट नहीं होगा यदि आप करेले का जूस पियेंगे तो। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, मिर्च का लाल रंग, जो मिर्च है उसका लाल रंग किस कारण होता है, क्वेश्चन कैसे आएगा, तो मिर्च का लाल रंग किसके कारण होता है, तो ये कैप्सेथिन के कारण। कैसे होता है, कैप्सेथिन के कारण। और मिर्च का तीखापन ये कैप्सिसिन के कारण होता है। अब देखिए ट्रिक क्या है, देखिए कैप्सिकम है वो शिमला मिर्च को बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कैप्सिकम। तो वहाँ से हमने वर्ड ले लिया कैप्सी, तो कैप्सी। अब तीखापन कैप्सिसिन, आपने कभी बार फिल्मों में भी देखा होगा कैप्से, जब कोई भी लड़की वगैरह जो थोड़ी मिर्च खा लेती है उसके बाद में वो किस प्रकार से मतलब रिएक्शन होता है, सीन क्या होता है, तो कैप्सिसिन, सीन किस में, मतलब मिर्च का तीखा लगने से वो सीन हमारे को देखने को मिला। कैप्सिथिन, देखो मिर्च है बिल्कुल थीन मतलब पतली सी, देखो मिर्च, तो मिर्च का लाल रंग की मिर्च है बिल्कुल पतली सी, थीन है बोले, तो ऐसे कैप्सिथिन मिर्च का लाल रंग। नेक्स्ट पे चलते हैं, समझ आ रहा होगा आपको अच्छे से, बहुत ही इजी वे में बनाए गए हैं। आगे देखिए खीरे का कड़वापन, खीरा, खीरा हम सलाद के रूप में यूज़ करते हैं, फाइबर होता है खीरे में आपको पता ही है। तो खीरे का जो कड़वापन है वो किस कारण होता है, कुकुरबिटेसिन के कारण, कुकुरबिटेसिन। अब एक खीरा जो कच्चा था तो वो खारा था, ट्रिक क्या है, इसको हम बना लेते हैं, कुक कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो जैसे ही कढ़ाई में डाला गया, तो कुक किया गया इसको,
पकाया गया तो क्या हो गया, कुकर बीटेसिन हो गया, मतलब ठीक हो गया उसके बाद में। तो ये कड़वापन किसके कारण होता है, कुकर बीटेसिन। तो ये कुक से हम इस ट्रिक को निकाल सकते हैं। अगला देखिए, दूध का सफ़ेद रंग किस कारण होता है, दूध का सफ़ेद रंग। अब आपको पता है दूध है वो गांव में जो किसान हैं वो पशु एग्रीकल्चर के साथ साथ क्या पशुपालन भी करते हैं, डेयरी फार्मिंग। तो किसान है वो क्या है, मतलब दूध निकाल रहा है, आपको दिख रहा होगा इसमें। तो किसान से ही हमें ये ट्रिक मिली, कैसीन। दूध का सफ़ेद रंग किसके कारण होता है, केसिन के कारण। और जो गाय का दूध का जो पीला रंग होता है वो किसके कारण होता है, कैरोटीन के कारण। किसके कारण, जैसे नारंगी गाजर का नारंगी कैरोटीन, तो गाय का दूध का जो पीलापन होता है ऊपर वो भी कैरोटीन के कारण होता है। तो कैसीन समझ आ गया, सफ़ेद रंग। पपीते का पीला रंग, अब देखिए पपीते का रंग कैसा होता है, पीला रंग होता है। अभी किस कारण होता है, केरिकाजेंथिन, केरिकाजेंथिन। अब देखो ये कड़ी है, क्या है, कड़ी, तो करी के जैसा, मतलब पपीते का रंग कैसा होता है, कड़ी के जैसा होता है। तो करी के जैसा ये केरिकाजेंथिन यहीं से निकला है, मतलब इससे हम बना सकते हैं केरिकाजेंथिन। तो केरिकाजेंथिन पपीते का पीले रंग का कारण है। अगला है आलू का हरा रंग। आलू देखिए, आलू का जो हरा रंग है वो सोलेनिन के कारण होता है, और जो हरे रंग का आलू होता है वो हमारे लिए हानिकारक होता है, तो नहीं खाना चाहिए। आलू का हरा रंग देखिए, मोस्टली आलू मतलब साफ होता है, लेकिन जो ये इस प्रकार के जैसे जड़ सी हरा हो जाता है तो वो हमारे लिए हानिकारक होता है। यदि वो आलू खा लिया जाए तो हमारे को ज़्यादा नींद आएगी, मतलब इससे कई प्रकार की बीमारियाँ हो सकती हैं। तो अब देखो नींद आएगी, मतलब सोलेनिन क्या होगा, सोलेनिन। अब देखो जैसे ही हरा आलू खाया तो बंदा सो लिया, तो सोलेनिन यहीं से निकला है, सोलेनिन के कारण आलू का रंग हरा होता है। अब आलू जो, आलू का जो फैमिली है आलू की, वो जो कुल है वो सोलेनेसी, आलू है सोलेनेसी कुल का पौधा है, और ये एक प्रकार का तना है। तो ये काफ़ी बार पूछा जाता है आलू क्या है, जड़ है, तना है, पत्तियां हैं, क्या है, तो ये क्या है, तना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आंवले में कसेलापन। देखो आंवले में कसेलापन किसके कारण होता है, आपको देखा होगा आंवला थोड़ा खट्टा और कड़वा कड़वा होता है, तो आंवले का जो कसेलापन है वो टेनिन के कारण होता है। अब देखो ये देखो, आंवला टहनी के ऊपर लगा हुआ है, देख लो इस पिक में देख सकते हैं आप टेनिन। तो टहनी, टहनी से ही क्या बना, टेनिन। तो ट्रिक मिली हमें, आंवले का कसेलापन टेनिन के कारण। नेक्स्ट देखिए मूली का तीखापन। अब कोई बंदा मूली खा रहा है ये और आंखों से इसके आंसू निकल रहे हैं, बहुत ज़्यादा मुँह जलने वाली है, ठीक है, आंसू गई, ठीक है, तो मतलब जैसे ही मूली खाई आंसू आए, तो आइसोसाइनेट, आइसोसाइनेट का जो मूली का तीखापन किस कारण होता है, आइसोसाइनेट। तो यही इसकी ट्रिक थी, मतलब आंसू आगे खाते ही तो आइसोसाइनेट। अगला है हल्दी का पीला रंग। अब देखो हल्दी, आप देख रहे हो हल्दी की गांठें हैं ये, तो हल्दी क्या होती है, कड़क होती है। सबसे पहले देखिए क्या है, कड़क, कड़क मतलब कड़क होती हैं बिल्कुल, पीसने के बाद तो इसको पाउडर के रूप में हम यूज़ करते हैं, तो कड़क होती है ना, तो इसको कुरुक बना देते हैं, क्या बना देते हैं, कुरकू। तो कुरकुमीन के कारण है वो हल्दी का रंग क्या होता है, पीला, कुरकुमीन के कारण, ओके, कुरकुमीन। तो ये हमारी कुछ स्ट्रिक के माध्यम से मैंने आपको बताया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं, अपने फ्रेंड्स को भी, इसको आप व्हाट्सएप पे भी शेयर करें, फेसबुक पे भी शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो बेल आइकन है उसको दबा दें, जिस सबसे पहले मेरा नोटिफिकेशन आपको मिले। और www.targetwithgoswami.com वेबसाइट पर आप ज़रूर विजिट करें, वहाँ से भी आपको अच्छे अच्छे नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो इस सेशन में आपके लिए इतना ही, और एक बात और बता देता हूँ मैं इसके साथ ही, जैसे वो तो ये फल और सब्जियों से रिलेटेड है वैसे, तो इसके अंदर ही हम देख लेते हैं जो तंबाकू होती है, क्या होती है, तंबाकू। तो तंबाकू में भी काफ़ी बार पूछ लेता है जो तंबाकू में क्या होता है, तो इसमें निकोटीन होता है, क्या होता है, निकोटीन, ठीक है। और जो फ्रेंड्स SSC CGL या UPPCS RAS और HPC के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए मैं नया कोर्स है वो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे लेके आ रहा हूँ, जो करंट अफेयर का तो सेशन उस पर मतलब लेसन अपलोड कर दिए गए हैं, और हरियाणा GK और राजस्थान GK के कोर्स भी मैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे
वहाँ डालूँगा, तो वो लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लें, वहाँ आप सुनील गोस्वामी नाम से आप सर्च करेंगे तो मेरा सारे के सारे कोर्स वहाँ आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो जो भी CGL की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए करंट अफेयर, और जो RAS की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए राजस्थान GK, और जो HPSC अभी नायब तहसीलदार के फॉर्म भी आ गए हैं तो उनके लिए मैं हरियाणा GK उस पर प्रोवाइड कराऊँगा। तो इस सेशन में इतना ही, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।